बहुत स्वागत है। बहुत अहम विशा। पिछले लगभग कुछ महीनों तो कनेडा तो मंदी दी खबरां खूब वायरल हो रही ने, वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स दी वीडियोज़ भी वायरल हो रही ने। इस दरम्यान असी कोशिश की कि सच की है पता किया जाए और कि कनेडा दे मंदे ने दुनिया हिला के रखती है, कि यह सच है, मंदे की जमीनी हकीकत की है। जसमीत सिंह भाटिया जिहड़े लैंडमार्क इमीग्रेशन के चीफ ने, उन्होंने फैसला किया लगभग 20-25 दिन पहला कि मैं खुद कनेडा जाके सारिया स्थितियां देख के आना, क्योंकि बहुत वड्डी गिणती च स्टूडेंट्स उन्होंने मापे जसमीत जी नूं पुछ रहे सी। सो जसमीत जी 20-25 दिन कनेडा ला के अज ही वापस मुड़े ने, ते वापस मुड़दे ही असी सब तो पहला कनेडा दे बिल्कुल ताज़ा हालातों अपडेट जसमीत जी तो हासिल करते हैं। सारे स्टूडेंट ते उन्हां दे माँ बाप बहुत ध्यान दे नाल वीडियो नूं देखण और इनू शेयर करके अपनी जेब च रखण वीडियो नूं मोबाइल दे जरिए। जसमीत जी बहुत बहुत स्वागत है जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सुरिंदर जी। जसमीत जी, सब तो पहला तो मैं जानना चाहूँगा कि कनेडा दे मंदे नूं लैके वीडियो बड़े व्लॉगर्स वायरल कर रहे हैं, कनेडा दे मंदे दा हक जिहड़ा असल सच है वह की अज करे, जरा गल सांझी। सी जॉब्स जड़ियाँ है वो बहुत सारिया है। सो बिल्कुल ये कहना कि कैनेडा च अजकल जॉब्स नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। सो जॉब्स बहुत सारिया, साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं जगह जगह पर कि सानू इत्थे जॉब वैकेंसी हैगी है, इत्थे बंदा चाहिए हैगा, इत्थे हेल्पर चाहिए, इत्थे शेफ चाहिए, इत्थे वेटर चाहिए, इत्थे मैनेजर चाहिए। बट प्रॉब्लम की है कि साढ़े जिहड़े स्टूडेंट्स हैगे हैं उन्होंने ये वे नहीं पता लग रहा किदां जॉब करनी या किदां लभनी है। सैकेंडली प्रॉब्लम यह है कि असी इको थां ते कंसंट्रेट करी जा रहे हैं। सो सारे बच्चों की कोशिश हैगी है कि असी सारे ही ब्रैम्पटन चले जाइए, जो कि मैं लगता है कि गलत सोच हैगी साड़ी कि जे हुण सारे ही ब्रैम्पटन जावांगे तो एक थां ते जे सारे जावांगे तो उन्नियां जॉब्स मिलनियां औखियां हो जाणियां किते ना किते। बट स्टिल स्टूडेंट्स नूं बहुत जॉब्स मिल रही। देखो एयरपोर्ट ते वर्करस घट हैगे आ, जिन्हें भी जे किसी कहिए कि रेस्टोरेंट्स हैगे हैं उत्थे हल्ले भी वर्करस की नीड हैगी है। काम इन्ना है कि लाइना लगदियां शामी रेस्टोरेंट्स के बाहर डेली वेटिंग है। जिन्हें अपने इंडियन रेस्टोरेंट हैं, जिन्हें चंगे रेस्टोरेंट हैगे हैं उत्थे डेली वेटिंग है। जे तुहाडे कोल रिजर्वेशन नहीं हैगी तो तुहानू अंदर सीट नहीं मिलती, बट अंदर वेटर नहीं हैगे सर्विस देने लई प्रॉपर। सो नाइगरा फॉल्स, एडमिंटन, कैलगरी, वैंकूवर, कैमलूप्स, इस तो अलावा की कहते हैं टोरोंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, किचनर और सारनिया, स्कारबोरो। सो ये सारे उन्होंने शहरों का मैं नाम लै रहा जिहड़े मैं ये 20 दिन च विजिट किए, वख-वख कॉलेज भी विजिट किए, वख-वख जगह भी विजिट कीतियां, जिथों जाके मैनू ये आइडिया होया कि किन्नियां क जॉब्स हैगियां उत्थे, क्यों दिक्कत आ रही है। और स्टूडेंट्स मैं दसना चाहूँगा कुछ रेस्टोरेंट्स तो इदा दे जे 7 बजे बंद कर देंगे हैं, क्योंकि 7 बजे तो बाद उन्होंने कोम करने बंदे नहीं है। सो ये कहना कि अज की डेट से कैनेडा जॉब्स नहीं है, मैं इनू कह कि बिल्कुल गलत है। कैनेडा जॉब्स हले भी अवेलेबल है। कैनेडा जॉब किमें लभनी है ये जो स्टूडेंट 12वीं पास जा रहे हैं उन्होंने समझा हले थोड़ा जा समझने की जरूरत हैगी है। पहला होंगे सी कि पंजाबी घट सी, हुण हर थां ते अपने ही बंदे जॉब कर रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि जिहड़े गोरे हैं वो इन्नियां जॉब्स नहीं करते पे। सो मेजरली साढ़े ही बंदिया ने जॉब मार्केट सारी कैप्चर कर ली है। सो लैंडमार्क इमीग्रेशन का हमेशा ही मकसद ये रहा कि असी जिहड़ी भी प्रॉब्लम होंदी है उन्हों जड़ तो उहदा सोल्यूशन लभण की कोशिश की है। आने वाले वीडियोज़ में असी डिस्कस करांगे कि क्यों बच्चों नूं जॉब नहीं मिलती है, कई स्टूडेंट्स नूं जल्दी जॉब्स नहीं मिलती, की प्रॉब्लम हैगी है और उन्हां प्रॉब्लम्स दा की हल है। बट जॉब्स अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्कोप बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स ने डिसाइड करना है कि असी किद्दां जॉब लभनी है। बिल्कुल ठीक है। सो जसमीत जी, क्योंकि वीक 20-22 दिनों के दौरे पर रहे, बहुत सारे रेस्टोरेंट, बहुत सारे सिटीज गए, जसमीत जी अप्रोक्सीमेटली किन्ने के शहरों तुसी गए? सो मैं शहरों के नाम ले सी, मैंने लगता है 12 से 15 शहर विजिट किए पूरे 20 दिन, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि जिवें सारनिया लैम्पटन कॉलेज मेरे बहुत बच्चे जाते हैं। सब तो अफोर्डेबल कॉलेज हैगा ओंटारियो दा लैम्पटन कॉलेज, जिन्हों असी डायरैक्टली रिप्रजेंट करते हैं और कोई एप्लीकेशन फीस नहीं हैगी लैम्पटन कॉलेज की। नवा कैंपस आ चुके वह ओटावा, ओटावा में लैम्पटन कॉलेज का नवा कैंपस आ चुके है, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, लैंडमार्क इमीग्रेशन की कोई फीस नहीं है और तुसी
फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो लैम्पटन कॉलेज। सो लैम्पटन कॉलेज के जिहड़े कैंपस है सारनिया टोरोंटो मिसिसागा ते ओटवाच हैगे हैं। जनवरी इनटेक ओपन हैगा। चुनिंदा जिहड़े कोर्सेज हैगे जिवें कैमिकल लैब टेक्नोलॉजी हो गया कंप्यूटर प्रोग्रामर हो गया इदां दे कोर्सेज ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। हले भी अवेलेबिलिटी हैगी है क्योंकि लैम्पटन कॉलेज में फिर कह रहे हैं 2 साल की फीस $24,000 तो लैके $27,000 है। जे आप किसी कंपेयर करते हैं किसी होर कॉलेज नाल तां $20,000 सालाना फीस हैगी है। सो इसे मैंने लग्या कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है, असी डायरैक्टली रिप्रजेंट करते हैं और मैं सारनिया विजिट नहीं किया कभी। सो मैं सारनिया विजिट किया, कैंपस देखा, उन्होंने डिस्कशन कीतियाँ और जिदन मैं विजिट किया उन्होंने उदन ही ओटवा कैंपस भी अपना लॉन्च करता। सो सारनिया तो अलावा मैं सेंटीनियल कॉलेज विजिट किया, इस तो अलावा यूनीवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली एबट्सफोर्ड च विजिट किया, कैपिलैनो यूनीवर्सिटी नॉर्थ वैंकूवर च विजिट किया, अलैगजेंडर कॉलेज विजिट किया, यूनीवर्सिटी कैनेडा वैसट वैंकूवर कैंपस विजिट किया, एडमिंटन विच नॉर्थवेस्ट कॉलेज विजिट किया, कैलगरी च मेरी विजिट रही और टोरोंटो च विजिट रही, नायगरा फॉल्स तो विजिट रही, टोरोंटो विच नायगरा कॉलेज टोरोंटो, फ्लेमिंग कॉलेज टोरोंटो च मेरे क्योंकि उन्होंने नवे कैंपस डिवेलप हुए थे उन्हां च मेरी कोशिश रही, कॉनस्टोगा कॉलेज किचनर च विजिट किया। सो काफ़ी सारे कॉलेजेस च मैं कोशिश की कि मैं विजिट करा, सू सेंट मैरी च सू कॉलेज च विजिट रही, अलगोमा यूनीवर्सिटी सू सेंट मैरी च विजिट रही। सो बहुत सारे कॉलेजेस नूं मैं कोशिश की कि मैं इस दौरे के दौरान कवर करा और वख-वख जगह ते किद्दां दीआं बच्चां नूं दिक्कतां आ दीआं किद्दां उस चीज़ नूं इंप्रूव किया जा सकता, इस चीज़ ते ज़्यादा फोकस रहा। बिल्कुल ठीक है। सो मोटे मोटे तौर दे उत्ते जसमीत जी दे कहण दा भाव है कि स्टूडेंट्स लई जॉब्स अवेलेबल ने, स्टूडेंट्स ने जॉब किवें सर्च करनी है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारिया थावां ते ओपनिंग्स मैनशन कर दित्तियां गईयां ने, बहुत सारे उत्ते स्टोर ने और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ने, बहुत सारे जिहड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस ने उन्हां दे विच वी तुसीं किवें जॉब अप्लाई करनी है या किवें जॉब हासिल करनी है ये प्रोसैस भी तुहाडे लई समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये लगातार अगले 4-5 दिन तुसी साढ़े सारी जिहड़े प्रोग्राम की सीरीज़ है इनू सुनते रहो क्योंकि 5-7 एपीसोड सानू लगनगे जसमीत जी के सारे कनेडा दौरे का जिहड़ा आउटकम है उन्हूं एक्सप्लेन करन दे लई। कनेडा दे विच कॉलेजां दे विच यूनिवर्सिटीज़ दे विच जॉब सेंटर्स किवें काम करते हैं असीं एक अद्धे दिन दे विच अगली वीडियो दे विच ये भी तुहानू दिखावांगे कि कनेडा च किवें जॉब सेंटर्स काम करते हैं जिथे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स नू जॉब दवाउण च हैल्प कर रहे हैं। सो इस करके जिहड़ा रिसेशन है ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। सो पर असीं सर्च करनी है जॉब प्रोफेसनल वे दे नाल चंगे तरीके दे नाल तां कि कोई भी साडा स्टूडेंट खास तौर पर जॉबलैस ना रहे। सो कोई कन्फ्यूजन है तो 9413-9412 जसमीत जी ना संपर्क करो। तुसी सितंबर इनटेक या नैक्सट इनटेक्स लिए अप्लाई करना है, बहुत सारे सरकारी कॉलेज सीट्स अवेलेबल ने, ये नंबर तुसी नोट करके रखो। कोई भी कन्फ्यूजन है क्लैरिटी है जसमीत जी नाल गल करो, ईमेल info@landmarkimmigration.com ते तुसी ईमेल कर सकते हो। तुसी इंडिया के किसी भी हिस्से चो जसमीत जी नाल संपर्क बना सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।